सो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जी मीडिया की। ठीक है, जी मीडिया एक अच्छा ही स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है। ठीक है, ये काफ़ी समय के बाद ये ब्रेकआउट दिया था 16 रुपये के लेवल से। ये सितंबर 2024 में एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद जो इसने हाई मारा था 26 रुपये का मारा था, 26 रुपये के लेवल के आसपास अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इसने डाउन प्रॉपर इसने गिरना करेक्शन लेना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि इस वाले जो लेवल्स थे ये यहाँ पे हो सकता है, हो नहीं सकता, क्योंकि इस वाले जो कैंडल्स समझ में आ रही है यहाँ पर, हो भी सकते ऑपरेटर्स का भी गेम हो सकता है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखो ना, ये जो कैंडल्स अपने को प्रॉपर एकदम ऐसे पावरफुल में कैंडल्स जो आ रही है ना, पूरी बुलिश सॉरी बेरिश मारुपूजे कैंडल्स आ रही हैं ये। ठीक है, इसमें जब भी ये ऐसी कैंडल्स बनती हैं मार्केट में, तो एक प्रॉपर करेक्शन मार्केट में अच्छी खासी आती है, और सेम टू सेम वही करेक्शन अच्छी खासी आ रही है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में, अगर अपन 4 आवर टाइम फ्रेम में अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है, अब 4 आवर टाइम फ्रेम में एक अपने को ये, अरे यार जस्ट ए सेकेंड, फोर आवर टाइम फ्रेम में अपने को ये किए बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा प्रॉपर। ठीक है, हाँ बेयरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, अपने को देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, और सेम इस वाले लेवल से फिर रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद फिर यहाँ पे एक छोटा सा एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये सेम इस वाले लेवल से प्रॉपर करेक्शन, फिर एक लेवल बनाते दिख रहा है। ठीक है, तो जो अपना आप सपोर्ट रहेगा 18 रुपये के भाव का रहेगा, अगर 18 रुपये के भाव को अगर ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे का ये सपोर्ट रहेगा 16 रुपये का, 16 रुपये के समथिंग का ये सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये सपोर्ट लेके हो सकता है आप इस वाले लेवल के आसपास का वेट करो, आप 16 रुपये के लेवल तक आने का। ठीक है, इस लेवल के पास जैसे आए तो आप अपने हिसाब से अपना ट्रेड पार्ट कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए, और जो जो लेवल्स रहेंगे लेवल से आपको ये इसी टाइप से आप निकाल सकते, लेवल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जो लेवल्स रहेगा 20 रुपये का रहेगा, और जो रेजिस्टेंस लेवल है आपका फिर 22 का, 22 का फिर जो देन अगेन है 26 रुपये का। ठीक है, अगर 26 रुपये के लेवल के अगर ब्रेक करते हैं 30 रुपये तक के लेवल्स आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। ठीक है, और अब अपन आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता है, 15 मिनट में क्या मार्केट अपने को दिखाना चाह रहा है। ठीक है, प्रॉपर वही ट्रेंड लाइंस का प्रॉपर फॉलो कर रहा है, प्रॉपर फॉलो करने का फिर ब्रेक कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, अभी ब्रेक कर दिया इसने यहाँ पर इस वाली ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन को काम फॉलो करते आ रहा था अभी यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद अभी अभी जो टारगेट बनेगा, सपोर्ट बनेगा इसका 16 रुपये के लेवल का सपोर्ट रहेगा इस वाला लेवल। ठीक है, तो इस वाले लेवल से आप कर सकते हो, अगर इस वाले लेवल से एक अच्छा खासा फिर रिजेक्शन लेगा। ठीक है, रिजेक्शन लेगा तो फिर जो टारगेट्स बनेंगे अपने यही बनेंगे, 19-20 रुपये तक के लेवल्स के टारगेट्स रहेंगे आराम से। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना भी ट्रेड प्लान आप कर सकते हो, ये लेवल्स अपने को मिलेंगे। सॉरी यार, और आराम से वही बेरिश फ्लैग पैटर्न पैटर्न ही आप कह सकते हो इन लेवल्स के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो जी मीडिया में आपको मैंने लेवल्स बता दिए, सपोर्ट लेवल्स भी बता दिए हैं, तो इस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, जी मीडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल्स रहे ना, ठीक है, तो इस हिसाब से सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपनी, और जो सपोर्ट लेवल्स हैं आपके, प्रॉपर भी मैं आपको ये स्टार्टर स्टील्स वगैरह हैं सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो पे, और जिस वीडियो पे आपको एनालिसिस वीडियो चाहिए, जिस भी पेनी स्टॉक्स के अंदर आपको एनालिसिस वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उस हिसाब से मैं आपको एक पॉइंट डिस्कस कर दूंगा, तो आप उस हिसाब से अपना एक प्लान कर सकते हो उस चीज़ के अंदर।
ठीक है।